गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ज्वाइन द सेशन। चलो तो जैसे कि आप सभी को पता है कि HRTC कंडक्टर का जो रिजल्ट था वो काफी टाइम से पेंडिंग था, ठीक है। तो आज इसका फाइनली जो रिजल्ट है वो आ चुका है, क्लियर है। और खास बात ये है कि इस रिजल्ट के बारे में मुझे अपने ही एस्पिरेंट ने बताया जो कि सिलेक्ट हो चुका था, यानी कि जो सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, तो फाइनल रिजल्ट जो है ये आ चुका है। सबसे पहले हम चलते हैं जो सिलेक्ट हमारे कैंडिडेट अभी तक हुए हैं जिन्होंने मुझे बताया है, बाकी अभी उनको पता लगेगा, फिर देन वो मुझे बताएंगे कि हाँ मेरी सिलेक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर पहले इनको टेंशन थी कि मेरा जो है लाइसेंस के बारे में पूछ रहे थे, देन यहाँ पर इनके सिलेक्शन हो चुके हैं। देन ये इनका नाम है अक्षय, नाम है इनका। पहले ये हमारे ग्रेड अप स्टडी प्लस के साथ जुड़े हुए थे, फिर ये हमारे जीरो टू हीरो बैच में जुड़े हुए थे, तो इनकी भी सिलेक्शन यहाँ पर हो चुकी है। देन ये भी है जिन्होंने आई थिंक ये हमसे पढ़ते थे फ्री में, ठीक है, हिम परिवहन सीरीज आपने सुना होगा, तो ये हमारी हिम परिवहन सीरीज से सिलेक्ट हुए हैं, क्लियर है। चलिए अब सीधा चलते हैं अपनी नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि नोटिफिकेशन यहाँ पे आई है, क्लियर है। अच्छा, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HP पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई थी, ठीक है, वो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो 826। और यहाँ पर आप सभी के सामने लिस्ट है कि UR से 130 सेलेक्ट हुए हैं, तो ये सारे लिस्ट यहाँ पे है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पे आप सभी के सामने है, यानी कि शिफ्टिंग तो यहाँ पर भी हुई है, आप सभी के सामने है। देखिए अगेंस्ट यू आर, यानी कि जैसे कि ये OBS में है, ये AWS में है, तो यहाँ पर जो लिस्ट है ये आप चेक कर सकते हैं। और ये जो PDF है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने WhatsApp ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे आप इस PDF को देखिए और अपना रिजल्ट देखिए कि आपकी सिलेक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और इसमें अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि ग्रेड अप स्टडी का कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो आपने मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर इन्फॉर्म करना है कि हाँ जी मेरी सिलेक्शन हो गई है, क्योंकि यही आपकी खुशी में ही हमारी खुशी होती है, ठीक है। तो ज़रूर आपने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताना है कि हाँ जी सर मेरी जो सिलेक्शन है वो हो चुकी है, अगर ग्रेड अप स्टडी का थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन आपके इस सिलेक्शन में रहा है, तो क्लियर है। चलिए तो फिर मिलते हैं शाम 6 बजे मैथ्स की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।